Hello students, this is Vijay Kumar. In my new classroom, I welcome you all here. Nowadays, we are doing the interview, lesson 7, Flamingo, 10 plus 2. And it is part 3 of total 4 videos on the same lesson. We have studied 2 parts on the same lesson. Link main aapko de raha hoon. Ye hai part 1 ka link. Aur ये है पार्ट 2 का लिंक. आप पहले पन्नो 2 देखिए. यहाँ पर इन दिस पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं एम्बर्टो एको का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जो कि लिया गया था मुकुंद पद्मनाभन जर्नलिस्ट द्वारा, द हिंदू के जो संवाददाता हैं. चलिए आइए देखते हैं कि इनका इंटरव्यू में क्या जो कन्वर्सेशन चल रहा है, क्या व्यूज़ हैं एम्बर्टो एको के. उसमें आप देख रहे हैं ये कोर्ट से शुरू हो रहा है. आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. अम्बर्टो एको, ये अम्बर्टो एको के हैं. ये इनके बारे में जान लेते हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो एको. उनका ये इंटरव्यू का एक एक्सट्रैक्ट है ये पार्ट 2 में. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन. ये एक जर्नल है, जर्नलिस्ट हैं ये. द इंटरव्यू इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू. द हिंदू अखबार है इंडिया का, तो उसके जो ये पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और वे इंटरव्यू ले रहे हैं अम्बर्टो एको. अम्बर्टो एको के बारे में जान लेते हैं. अम्बर्टो एको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड ए फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस. तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सेमियोटिक्स होता है, साइंस जो है, चिन्ह की जो है स्टडी होती है, वो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, जिसे हम कहते हैं. बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, इससे पहले कि वो जो है प्रोज एंड नॉवेल्स लिखने लगते, उपन्यास लिखने, इससे पहले जो है ये लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मेडिवल एस्थेटिक्स और जो है सिमियोटिक्स से जुड़े हुए थे. बाद में इन्होंने जो है फिक्शन को अपनाया. ये थे अम्बर्टो एको, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इटली में. एंड लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हिज रिटन आउटपुट इज स्टेरिंगली होता है कि शॉकिंग डिग्री, एक तरह से लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. इतना उन्होंने लिखा. इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम, कि वो जो है बौद्धिक रूप से जो है सुपर स्टारडम हो गए विद द पब्लिकेशन ऑफ, एक उनकी जो फिक्शन आया द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, तो जिसकी कि 1 करोड़ प्रतियां जो हैं बिकी. 10 मिलियन आप देख रहे हैं. नेम ऑफ द रोज, ये बुक का नाम आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में भी, तो आप याद रखिए अम्बर्टो एको की कौन सी कृति थी वो, द नेम ऑफ द रोज, और इसकी कितनी प्रतियां बिकी, 10 मिलियन कॉपीज. तो इसमें इंटरव्यू शुरू हो रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं मुकुंद इज आस्किंग अम्बर्टो एको कि द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉजे वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज. कि मुझे समझ नहीं आता, मुकुंद कह रहा है कि डेविड लॉज ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक आदमी इतने सारा जो है कैसे काम कर लेता है, इतने लेख कैसे लिख लेता है इतने डाइवर्स टॉपिक्स पर. तो अम्बर्टो एको जवाब दे रहे हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. ये मैं ये इम्प्रेशन दे पा रहा हूँ या वर्ल्ड मुझसे ये इम्प्रेशन ले पा रहा है कि मैं कई चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पर कि मैं जो हूँ कई चीज़ें एक साथ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक ही चीज़ कर रहा हूँ. मेरे चाहे मैं अकेडमिशियन का काम कर रहा हूँ या मैं राइट कर रहा हूँ, फिक्शन लिख रहा हूँ, मेरे लिए दोनों एक समान है. विच इज़, तो वो पूछता है, वो कहता है आह नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, ये मेरे लिए मुश्किल है बताना आपको कि किस तरह. तो वो बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई अकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स. कि मेरे को जो है फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट हैं, मैं दार्शनिक हूँ, ये मेरी रुचि है,
और मेरे एकेडमिक वर्क में है और मेरे नॉवल में भी है। इवन माय बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। और मेरे यही कारण ही जो मेरी बच्चों की बुक्स भी हैं मैंने लिखी हैं बच्चों के लिए, तो जो फिक्शन लिखा है मैंने नॉन वायलेंस और पीस पर लिखा है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट की जो नैतिकता की बात करता है और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट की बात करता है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट। तो वो बता रहा है कि अगर मुझसे कोई तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ये संभव कैसे कर पाता हूँ। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस। ये टर्म याद रखिएगा आप, ये आपने जीवन में भी सीखनी है स्टूडेंट्स, कि एम्प्टी स्पेसेस का जो है यूज करना आपको आना चाहिए। वो इसमें उदाहरण दे रहा है कि अगर हम सारे जो है एम्प्टी स्पेसेस को एलिमिनेट कर दें फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, तो क्या होगा मालूम है? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो वो मेरी यूनिवर्स जो है कितना रह जाएगा सिकुड़कर? मेरी मुट्ठी जितना रह जाएगा, कि मेरी मुट्ठी में भी समा जाएगा। सिमिलरली वो कहता है कि वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स, कि हमारी जिंदगी में भी इसी तरह के जो रिक्त स्थान है, खाली समय है, उसका हम सदुपयोग करें। आई कॉल देम इंटरस्टाइसिस, है ना, इंटरस्टाइसिस दरार, इंटरवेनिंग स्पेस जो होता है उसको मैं ये कहता हूँ कि ये दरारें हैं इनको भरिए, आप इनका यूज कीजिए। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, ये उदाहरण दे रहा है कि जैसे आप मेरे से मिलने आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर, तुम एक लिफ्ट में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, तुम जब ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टाइस, तो ये जो है एक इंटरस्टाइस है, ये दरार है, ये एक इंटरवेनिंग स्पेस है, एन एम्प्टी स्पेस, ये खाली समय है मेरे लिए। व्हेन आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू एंड डूइंग नथिंग, बट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई वर्क, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस। ये कह रहा है कि उस समय मैं काम कर रहा होता हूँ, वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। लाफ्स, तो जब तुम पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो और मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, तो मैं एक जो आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि ऐसा नहीं, ये देखिए आप पत्रकार जो है किस तरह की भाषा यूज करते हैं एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पे आने के लिए। ये आपको इंटरव्यू की जो कला है, आर्ट है, वो सीखना चाहिए, है ना, कि जो हमने लिंक करना है इसको, शिफ्ट कैसे करना है, लिंकर क्या होते हैं, इसका भी ये जो लेसन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। इट इज ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर अकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टिड एंड इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, ये नेचुरली ही आता है कि कैसे है, हर कोई तो ये नहीं कर सकता कि आप जो हैं गैर उपन्यास भी लिखते हैं और अपना स्कॉलरली वर्क भी करते हैं और सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी भी है इसकी, है ना, और जो है आपका जो लेख है मार्क डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड है, जो कि गैर वैयक्तिक है और जिसे जिस जिस टॉपिक पर लिखना ड्राई और बोरिंग माना जाता है, तो आपने ये योग्यता कहाँ से ली है या नेचुरली आपके अंदर है? तो एको कहता है इस पर, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टोरल डेजर्टेशन, तो डेजर्टेशन होता है कि शोध पत्र, जब हम डॉक्टरेट करते हैं कोई लेख लिखते हैं तो डेजर्टेशन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, कि जो सीखने वाला है, शोधार्थी है, वो किसी विषय पर अपनी एक पहले तो जानकारी बढ़ाता है। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर कुछ पराकल्पनाएं जो है झूठी गलत अपने धारणाएं बना लेता है। देन दे करेक्ट देम, फिर उसको वो ठीक करता है। एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और अंत में वो निष्कर्ष निकालते हैं कि सही क्या है, तो शोध पत्र उसका डेजर्टेशन दाखिल होता है। तो वो कहते हैं कि यू एम्बर्टो एको ऑन द कंट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, कि तुम अपने शोध की कहानी बताते हो कि गलतियां कहाँ हुई, कैसे आपने गलत किया, जबकि ऐसा नहीं होता। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, है ना, कि देखिए आप क्या क्या उसने प्रयास किया और फिर सफल हुआ, गलती हुई,
नाकामयाब रहा, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर कामयाब रहा, ये भी वो जो अपने लेख में, शोध में जो डालता है डेजर्टेशंस में, एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डेजर्टेशन एज ए बुक विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, तब मैंने 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। तो मैंने ये जाना कि शोध पत्र भी इवन है ना, हमें इस तरह लिखने चाहिए कि जैसे मैंने लिखा है, बिल्कुल एक नरेटिव उसका जो है, एक स्टोरी फॉर्म में, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, है ना। शोध का प्रपत्र भी हम इस तरह से जारी करें कि जैसे हम एक कहानी सुना रहे हूँ। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव एस्पेक्ट। इसी कारण ही जो है मेरे जो नरेटिव एस्पेक्ट होता है मेरे एसेज का, मेरे निबंध जो मैं लिखता हूँ विषयों पर, एंड दैट इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तभी जो है मैं 50 साल की उम्र में जो है ये नरेटिव नोवेल लिखना, उपन्यास लिखना शुरू कर पाया। और इससे आगे के लिए मैं आपसे कहूँगा कि हम मिलते हैं पार्ट 4 के वीडियो में, जो मैं जल्द ही देने वाला हूँ। और अब तक आप 3 वीडियो जो हैं इस पर देख चुके हैं। कंक्लूडिंग वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये पसंद आया है चैप्टर, तो आप मुझे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।